हेलो एवरीवन, मैं हूँ सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग पिछले कुछ वीडियो से डेरिवेटिव के ऊपर में वीडियो देख रहे हैं, आज भी हमारा वीडियो डेरिवेटिव के ऊपर में ही है। और ये जो एक्सरसाइज आज हम लोग करने वाले हैं, ये है आपका बुक का 26.5। और इस एक्सरसाइज के दौरान मैं आप लोगों को कोसेंट रूल बताना चाहता हूँ कि कोसेंट रूल का क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन कोसेंट रूल को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जैसे दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा ए बाय बी, और इसका हम लोगों को डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग नीचे वाला फंक्शन को कांस्टेंट रख देंगे और ऊपर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल देंगे। उसके बाद माइनस साइन देंगे, और उसके बाद अब नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और ऊपर वाला फंक्शन जो रहेगा उसको कांस्टेंट रख देंगे। ठीक है, ऊपर वाला फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे और नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल देंगे और होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आएगा आपको? अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ऊपर में लिखा हुआ है, एक नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ पे भी मैं डी वाई डी एक्स लिखूंगा, और यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई का वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। ये जो वाई है यहाँ पे ये दिया हुआ था ना, इसका वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोगों को इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। पहले क्या करना है, हम लोगों को नीचे वाला फंक्शन को वैसे ही उतार दीजिए। नीचे में क्या फंक्शन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। उसके बाद ऊपर वाला फंक्शन का हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है, डी बाय डी एक्स, 3x माइनस 2 का। उसके बाद माइनस साइन आएगा, और उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, अब ऊपर वाला जो फंक्शन था उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे नीचे वाला फंक्शन का। नीचे में फंक्शन क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और होल डिवाइडेड बाय हम लोग नीचे वाला फंक्शन का क्या निकालेंगे, स्क्वायर, इस तरह से। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो देखिए क्या मिलेगा हम लोग को। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन यही मिलेगा, और 3x माइनस टू का डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कितना, सिर्फ 3 मिलेगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और जो 2 कॉन्स्टेंट है हमारा वो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ आएगा आपका माइनस साइन, और फिर यहाँ पे 3x-2 वैसे ही उतर जाएगा, और फिर हम लोग को स्क्वायर डेरिवेटिव फाइंड करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, और माइनस वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, होल बाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को इसके साथ में मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3x² + 3x - 3। उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ। देखिए, 3x और 2x मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा। उसके बाद फिर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, +3x आएगा। और उसके बाद में फिर -2 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 2 4 -4, और यहाँ पे x है तो -4x आएगा, और फिर -2 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर नीचे में ये चीज ये उतर जाएगा, यहाँ पे आपका x² + x - 1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, उसके बाद यहां मैं लिख रहा हूं, अब देखिए यहां पे जो है इसको मैं यहां लिख देता हूं ऐसे ही, इक्वल टू क्या था, 3x² + 3x - 3,
और उसके बाद आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, देखिए थ्री एक्स और माइनस फोर एक्स मतलब कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा और माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए थ्री एक्स और फोर एक्स, तो थ्री से फोर, फोर से थ्री जाएगा वन बचेगा, मगर साइन क्या माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे फोर बड़ा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ प्लस टू आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक्स है, एक्स से ये क्या हो जाएगा, प्लस फोर एक्स हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे थ्री से टू जाएगा, माइनस वन आएगा क्योंकि थ्री के आगे माइनस है, ठीक है। और नीचे में यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये आपका क्वेश्चन नंबर सी है, ठीक है। और यहाँ पे भी दो फंक्शन है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसका डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है y इक्वल टू ये फंक्शन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे d बाय डी एक्स, किसका निकालना है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस वन होल बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी इससे पहले जो प्रॉब्लम किया था उसमें कोसेंट रूल हम लोगों ने देखा था। तो कोसेंट रूल में किस प्रकार से सॉल्व करते हैं हम लोग, सबसे पहले नीचे वाला फंक्शन को हम लोग वैसे ही लिख देते हैं और फिर ऊपर वाला फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ऊपर वाला फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फिर माइनस साइन आता है और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला फंक्शन को वैसे ही उतार देते हैं और नीचे वाला फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकाल देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर। उसके बाद कुछ नहीं है, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन वैसे ही उतर जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन का अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2x, फिर यहाँ माइनस साइन। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन को कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसको वैसे उतार देंगे और यहाँ पे d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2x, ठीक है। अब ये साइन देखिए माइनस का, ये आपका बाहर में है ना, और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहां लिख रहा हूं, उसके बाद अब यहां क्या हो जाएगा, देखिए ये 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा कितना, 2x का क्यूब प्लस 2x, और उसके बाद में फिर यहां पे माइनस साइन। और उसी प्रकार से यहां पे भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए यहां पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ में, तो ये 2x था और ये एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्या हो जाएगा, आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। और नीचे में क्या था हमारे पास, नीचे में था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x होल बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल हो जा रहा है और 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 4x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा।
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस एक्सरसाइज से अगर आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है या कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझसे आप पूछ सकते हैं।